हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। आज अभी एक्चुअली है क्या कि बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें कम हो गया है, अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, सेल्फ बिलीव नहीं रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों बच्चे इतना ज़्यादा डाउट में है, क्यों वो अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे? इवन दो दे आर डूइंग गुड बट स्टिल दे आर नॉट यू नो अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस रख के नहीं बूस्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे अटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका कारण हम ही हैं, हम टीचर्स, हम पेरेंट्स। एक्चुअली अननोइंगली कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल तोड़ देते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जिसकी जिसका इफेक्ट हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन पे इतना स्ट्रांग पड़ता है कि हम लोग अंदर से टूट जाते हैं। तो अब ये चीज़ ज़बरदस्ती कोई नहीं करता, ये अननोइंगली होती है, बिकॉज जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे बिलव्ड पीपल हैं हमारी ज़िंदगी में, उनकी ट्रेनिंग नहीं कही की गई है कि कैसे बात करनी चाहिए, कैसे किसी के कॉन्फिडेंस को, अगर कोई लो फील कर रहा है तो उसको हाई करना चाहिए, बल्कि सबको सिर्फ बोलना होता है बिना सोचे समझे कि किसी को क्या बात कैसे लग जाए या क्या पता वो कितना टूट जाए अंदर तक। तो ये जो अननोइंगली कुछ लोग हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ सकते हैं, दोस्तों हम उन लोगों की जबान को तो नहीं रोक सकते कि किसी ने आपको आके कुछ बोला। जैसे येस्टरडे सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर शेयरिंग विद मी सम इंसिडेंट्स कि हमारे साथ ये हुआ, कोई हमें ऐसा बोल रहा, देयर आर सम टॉक्सिक पीपल्स इन देयर लाइफ। सो फ्रेंड्स, ये तो हर जगह है, बिकॉज हर इंसान उतना ज्यादा मैच्योर इनफ नहीं होता कि वो दूसरों के जज्बात, दूसरों की बातें समझ सके। तो आप बाकी सबको छोड़ो, सिचुएशंस, पीपल, प्रॉब्लम्स इन सबको छोड़ो, आपको मैं कुछ NLP टेक्निक शेयर करूंगी एज अ स्टूडेंट, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आपके साथ मैं कुछ NLP टेक्निक शेयर करूंगी, जिनको अगर आप 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप यूज करोगे 21 डेज तक मिनिमम, आपको खुद ही बूस्ट लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 10 times एक्स्ट्रा बढ़ चुका है एंड यू आर फीलिंग मच बेटर। बिकॉज हम दूसरों की सिचुएशंस को नहीं चेंज कर सकते, हम सिर्फ उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जो हमारे हाथ में, तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिनको यूज करके हम अपने आप को खुद ही बूस्ट कर लेंगे, किसी की बातों से हमें कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि दुनिया आपको वही समझती है जो आप अपने आप को समझते हो। If you do not believe in yourself, then who else will believe in you? अगर आपको अपनी क्षमताओं पे खुद ही शक होता है, अगर on an average मैं स्टूडेंट से जब क्लास में बात करती हूँ, पूछती हूँ, तो उनसे पूछती हूँ कि आप में से कौन कौन जैम को क्रैक करने में बहुत कॉन्फिडेंट है कि हाँ हम कर लेंगे या कितना, तो अराउंड 90% स्टूडेंट्स बोलते हैं वी आर इन डाउट, वी आर नॉट श्योर। तो वाई इज इट सो मच डाउट, सो मच सेल्फ डाउट? अगर आप अपने ऊपर ही विश्वास आप ही नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो सबसे पहले तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना छोड़ो। दूसरी चीज क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको जरूर करना है, देखो जब आप दूसरों से बात करते हो तो ऑब्वियसली वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने वाले, कहीं ना कहीं भी कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आप अंदर से टूट जाओगे, आपको लगेगा कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप सुबह उठते हो, सुबह उठते ही शीशे में अपने आप को देखते हो, शीशे में अपने आप को देख के अपनी नजरों से नजरें मिला के अपने ऊपर कहना है, अपने आप को कहना है कि आई बिलीव इन योर सेल्फ, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, दुनिया जो कहती है कहने दो, क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, क्या बोलते हैं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ। आप अपने आप को क्या बोलते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को कैसा फील कराते हो, दैट इज 100% इन योर हैंड। तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, रोजाना उठते ही हो शीशे के सामने अपनी नजरों से नजरें मिला के अपने आप को बोलना है जो भी आपका ड्रीम है, दैट आई बिलीव इन योर सेल्फ एंड आई विल डेफिनेटली अचीव इट। तीसरी बात, You are an average of 5 people you surround yourself with, friends. Choose wisely. अपने चारों तरफ के कुछ ऐसे लोग रखो जो आपको मोटिवेट करें, आपको अपलिफ्ट करें। अपने चारों तरफ ऐसे लोग ना रखें जो आपको आपके कॉन्फिडेंस को गिरा दें या आपकी बार बार बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं कुछ लोग जो अंदर से हमको तोड़ देते हैं, मतलब हम बहुत ही लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं या हम अपने एम की तरफ जा नहीं पाते। तो चूज वाइसली आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके चारों तरफ के 4-5 वो लोग कैसे हैं जो आपको अपब्रिंग करें, अपलिफ्ट करें। अब जरूरी नहीं उसके लिए आपको दोस्तों या कुछ ह्यूमन क्रिएचर्स के ही साथ होना जरूरी है, उसका कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं तो उनसे दूरी रह के आप बुक्स जैसे कि कुछ महात्मा गांधी, विवेकानंद एंड और बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव वाइब्स सबको दे सकते हैं, तो आप उनको उनसे दोस्ती कर लो, उनकी बिब्लियोग्राफीज, उनकी
बुक्स पढ़ा करो ताकि आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अपने चारों तरफ के में सिर्फ पॉजिटिव लोग रखने, ओनली पॉजिटिव पीपल विच हु विल अपलिफ्ट यू, अपलिफ्ट योर कॉन्फिडेंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भी बात, रीलिव योर सक्सेस। पास्ट में बहुत नेगेटिव करी, बहुत गलतियां करी, अपने फेलियर से सीखो, फेलियर्स में अटक के मत रहो। जो भी आपसे गलतियां हुई, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ, लीव इट, सेट इट असाइड। जिसने गलत किया किया, जिसने जो फील करवाना था उन्हें करा दिया। अब आपको अपने उस पास्ट के नेगेटिव मेमोरी में स्टक होके नहीं रहना। आपकी जिंदगी में जो भी पीछे हुआ, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉजिटिव बात जरूर होगी, या कोई ना कोई ऐसा सक्सेस आपने जिंदगी में जरूर अचीव किया होगा अपने पास्ट में। तो जब भी आप लो कॉन्फिडेंट फील करो या सेल्फ डाउट में आओ, उस चीज को रीलिव करो पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट फ्यू मंथ्स बैक मान लो आपने कुछ कहीं पर टॉप किया हो, और वहां पे उस वक्त आपको आपकी किसी ने तारीफ की और आपको बहुत अच्छा फील किया हो, उस पूरी की पूरी मेमोरी को वापस दिमाग में लेकर आओ, उसको रीलिव करो। उसी समय आपका मूड ठीक हो जाएगा, उसी समय आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। ओके, तो दीज आर सम फोर NLP टेक्निक्स। फर्स्ट, अपने आप पे डाउट मत करो, सेल्फ डाउट। अपने आप को आप जो समझोगे वो ही दूसरे लोग भी आपको समझेंगे। दूसरा, सुबह उठते ही शीशे के सामने अपनी नजरों की से नजरें मिला के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है दैट आई विल डू इट। जो भी आपका एम है, यू विल डू इट। तीसरी बात, अपने चारों तरफ के लोग पॉजिटिव रखो। कोई भी ऐसा नेगेटिव टॉक्सिक इंसान ऐसा आपकी जिंदगी में ना हो जो आपके कॉन्फिडेंस को गिराए या गिराने में प्रमोट करे, ऐसा मत करो। चौथी चीज, अपने फेलियर से सीखो और अपने सक्सेस को जो आपने पास्ट में कभी अचीव की होगी उसको रीलिव करो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपसे एक घंटा कोई नेगेटिव आपको बोल के जाए, कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत नेगेटिव, आपके सिर्फ उससे नेगेटिव्स बता रहा है, आप हाउ विल यू फील? यू विल फील डीमोटिवेटेड, यू विल फील ब्रोकन, यू विल फील नथिंग, यू विल फील लोनली, यू नो। बट अगर सिर्फ 10 मिनट कोई आके आपकी तारीफ कर दे, या आके आपको कुछ अच्छा फील करवा दे, या कुछ भी ऐसा बोल दे जिससे आपको अच्छा फील हो, तो आप अपने आप ही आपका गलत वाला जो गंदा मूड था वो भी सुधर जाता है। सो पावर ऑफ वर्ड्स दोस्तों, पावर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर सो एवर योर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स ग्रो। अपने शब्दों की कीमत को समझो। कुछ ऐसा बेफिजूल में ना बोलो, ना ही किसी के कोई ऐसे बेफिजूल की बातें सुनो। न्यूज से और नेगेटिव चीजों से मैक्सिमम दूरी रखो। अगर आप IAS की प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो न्यूज को देखना बंद कर दो। स्पेशली अगर देख भी रहे हो तो उस समय देखो जो जिस समय आपका डेल्टा स्टेट एक्टिव नहीं है, मतलब रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद में न्यूज को टच भी मत करो। और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, इसी वजह से सफर करते हैं। सो दीज वर सम टिप्स ऑफ NLP गाइस। सो आई होप आपको समझ में आई होगी एंड आप जरूर इसको यूज करोगे। 21 डेज तक करो, 21 डे के बाद में आई विल मेक अनदर वीडियो जहां पे आपके फीडबैक के ऊपर आई विल बी शेयरिंग यू की हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, ओके, आफ्टर डूइंग ऑल दिस पॉइंट्स, आफ्टर फीलिंग। अब मैं आपको बता देती हूँ, मेरा जो अनअकैडमी पे कोर्स आ रहा है दोस्तों, वो ये है। 6 AM में ऑर्गेनोमेटालिक्स में पढ़ा रही हूँ, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फिर प्लस में 8 AM हमारा रहेगा क्विज, ऑर्गेनिक क्विज। 12 PM फ्री क्लासेस हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्विज, एंड देन यूट्यूब पे फिर से 12 PM हमारा इनऑर्गेनिक की कट शॉट ट्रिक्स होने वाले हैं। ये भी आपके फ्री होंगे। अगर इसके बारे में और आप जानकारी लेना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो सी या, टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एज यू नो, आपका एक लाइक मेरी कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करता है, और इसी वजह से मैं आपके लिए नया कॉन्टेंट लेकर आती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ट्यूनिंग इन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।